जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाई सँगसँगै तक में दावा आया साथी में तेरे साथे साथी में तेरे साथे मैं मेरा मजा आया मेरा मजा आया मेरा मजा आया मेरा मजा आया जब बामे तजली पर वो नैयारे जब बामे तजली पर वो नैयारे जा आया सर था जो गिरा झुक कर सर था जो गिरा झुक कर दिल था जो तप आया साथी में तेरे साथे साथी में तेरे साथे मेरा मजा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीनो सामईन, हमारा ये दरसे कुरान का जो प्रोग्राम है पैगाम रमज़ान के नाम से हम पेश करते हैं, और रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम के दर्स और उसकी तफसीर की वजह ये है कि चूँकि कुरान अज़ीम का ताल्लुक़ रमज़ानुल मुबारक से बहुत गहरा है, तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले सूरह फातिहा की तफसीर को। तो ये सूरह फातिहा जिसमें एक रुकू है और 7 आयतें हैं, इसकी इब्तिदा यूँ होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत रदी अल्लाह तआला बरेली शरीफ़ की सरज़मीन पर भारत में जो शहर है बरेली शरीफ़ उसकी धरती पर पैदा हुए, और उन्होंने दुनिया के बेशुमार उलूम और फ़नून पर काम करने के साथ साथ कुरान अज़ीम का भी बेहतरीन अंदाज़ में तर्जमा किया। और हैरत की बात तो ये है कि इस तर्जमे कुरान के लिए आपको बहुत ही कम वक्त मिला था, जो दोपहर में खाना खाने के बाद कैलूला करने के लिए थोड़ी देर के लिए इंसान लेटता है, बस वही वक्त आपके पास बाकी था जिसमें हज़रत सदर शरिया अलैहि रहमत व रिजवान, जो आपके खलीफ़ा हैं, घोसी ज़िला आज़मगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने अर्ज़ की कि कुरान अज़ीम का एक तर्जुमा कर दिया जाए। तो आला हज़रत ने फरमाया, मेरे पास इतना वक्त कहाँ रहता है, सारा वक्त मेरा जो है वो बिज़ी है, मसरूफ़ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस इतना वक्त बाकी है कि दोपहर में खाना खाने के बाद जो थोड़ी देर के लिए लेटता हूँ उसमें आ जाया करें। तो हज़रत सदर शरिया आ जाते थे और उसी में आला हज़रत रदी अल्लाह तआला ज़बानी बोल करके ये तर्जमा लिखवा दिया करते थे। इस तरह ये कंज़ुल ईमान के नाम से तर्जमा हमारे सामने आता है। इस तर्जमे की बेशुमार खूबियाँ, जिसमें आला हज़रत ने सूरह फातिहा के तर्जमे में फ़रमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान रहमत वाला, रोज़े जज़ा का मालिक, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें, हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, ना उनका जिन पर तूने तेरा गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले कुरान अज़ीम में जो हमारे सामने कुरान अज़ीम है उसमें सूरह फातिहा पहले है, उसके बाद सूरह बकरा है। तो ये दरअसल वजह यह है कि एक इंसान ईमान वाले होने की हैसियत से उसके ऊपर ज़रूरी होता है कि वो अल्लाह की हमदो सना बयान करे, और कोई भी काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम ले और अल्लाह की हमदो सना बयान करे। तो यहाँ पर तमाम तारीफ़ें, ये कहा गया कि सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का,
यानी एज ए मुस्लिम हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ और सिर्फ खालिक किसी को मानेंगे, माबूद किसी को मानेंगे, इलाह किसी को मानेंगे तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। चूँकि इस्लाम का ये बेसिक अकीदा है जिसके बग़ैर कोई जो है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, और वो है अल्लाह को एक मानना और उसी को तमाम जहान का खालिक मानना, सारी कायनात का खालिक मानना और उसी को तमाम का पालनहार मानना। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है तौहीद फिल उलूहियत और दूसरी है तौहीद फिल रुबूवियत, यानी अल्लाह को इलाह मानने के एतबार से भी तन्हा और यकता जानना, और ये कि तमाम कायनात का जो निज़ाम चल रहा है, जो ये व्यवस्थाएँ चल रही हैं, चांद का निकलना, सूरज का निकलना, सितारों का निकलना, बारिश का होना, ये भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के कब्ज़ो इख्तियार में है, उसी की कुदरत से होता है, इसके अलावा कोई भी इसमें दखील और इसमें दाखिल नहीं होता, किसी का भी इसमें कोई हिस्सा नहीं होता, है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ये सब उसी के दस्ते कुदरत में हैं ये सारी चीज़ें। अब वो जिसके ज़रिए से करवाए, किसी चीज़ पर फरिश्तों को लगा दिया है, किसी चीज़ पर किसी और को ड्यूटी दे दी है, तो इस तरह मालिक हकीकी जो है, रब हकीकी जो है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और हमें जो हकीकी तारीफ़ें करना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अब ये है कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की भी तारीफ दरअसल अल्लाह ही की जो है वो तारीफ़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो उदाहरण के तौर पर यूँ कह सकते हैं कि एक देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है, मान लीजिए भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अब उन्होंने अपनी तरफ से कोई स्कीम डीएम को दे दी, अब डीएम ने अच्छा काम किया तो वो उसके काम की जो भी तारीफ होगी तो जाहिर सी बात है कि वो प्रधानमंत्री ही के खाते में जाएगी कि उसकी हुकूमत में इतना अच्छा जो है वो काम हुआ। काम कोई भी करे, मातहत कोई भी करे, लेकिन उसका सेहरा जो बनता है वो उसके हाकिम आला के सर बनता है। बिला तशबीह व तमसील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकमुल हाकिमीन है, वो तमाम का खालिक है, सबको उसने पैदा किया, तो जाहिर सी बात है कि उसको उसके बनाए हुए जितने भी कारनामे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसकी बनाई हुई, उसके हुस्न है और उसका जमाल है, उसकी हम अगर तारीफ़ करेंगे तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की तारीफ़ होगी। तो भारत की सरज़मीन से इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो सूफ़ियाए किराम के मज़हब के बेहतरीन प्रचारक हैं, मज़हब सूफ़िया के प्रचारक हैं और खानकाहों के निज़ाम और खानकाही व्यवस्थाओं के प्रचारक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तो देखिए आला हज़रत के इस कलाम की खूबी देखिए कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी तारीफ़ है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी तारीफ़ है, क्योंकि हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि इस कायनात में, इस पूरी मखलूक में सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शक्ति दी है, जो ताकत दी है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दी है। तो हमारे नबी के जितने भी कारनामे हैं, हमारे नबी जो कुछ भी करते हैं और जो भी हमारे नबी की खूबियाँ हैं, जाहिर सी बात है कि वो अल्लाह की अता करता है। तो रसूल की तारीफ़ ये अल्लाह की तारीफ़ हुई, अल्लाह के जो वली होते हैं, औलिया होते हैं, उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो तारीफ़ें हैं, वो भी अल्लाह ही की जो है वो तारीफ़ है। इसलिए आला हज़रत ने बहुत अच्छी जो है वो, ये जो आला हज़रत का कलाम है ये हमदिया कलाम है, लेकिन आप देखें कि हमद के साथ साथ नात भी इसमें है कि रसूल की भी तारीफ़ हो गई और रसूल की तारीफ़ के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी तारीफ़ हो गई कि वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। अब ये देखना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये जो शक्ति मिली है अल्लाह की तरफ से कि वो भीख देते हैं, वो जितनी भी कायनात में अशिया और नेमतों की तकसीम हो रही है, ये हमारे नबी के ज़रिए से जो है वो होती है। जो कुछ मिल रहा है किसी को, वो नबी के वसीले से और नबी के वास्ते से जो है वो मिलता है। इसका सबूत कहाँ है? तो इसका सबूत कुरान करीम की आयात में भी है, अहादीस करीमा में भी है,
अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि वलौ अन्नहुम इज़लमु अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल, कि अगर ये लोग जो है वलौ अन्नहुम इज़लमु अनफुसहुम अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लें, वलौ अन्नहुम इज़लमु अनफुसहुम जाऊका ये तुम्हारे पास आए अल्लाह से भी मगफरत तलब करें और रसूल से भी मगफरत तलब करें, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये मेहरबान भी पाएंगे, रहम करने वाला भी पाएंगे और तौबा कबूल करने वाला भी जो है वो पाएंगे। तो अल्लाह ने ये फरमाया। फिर दूसरी हदीस, एक हदीस पाक है उसमें है कि अल्लाह युअती वाना कासिम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करता है और मैं जो है वो तकसीम करता हूँ। तो यह जो भी नबी कर रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ये अल्लाह की अता से दे रहे हैं, अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात से जो है वो दे रहे हैं। इसलिए तारीफ अल्लाह की हो, चाहे डायरेक्ट आप करें, चाहे जो है वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की तारीफ करें, उसके ज़रिए से जो है वो अल्लाह की तारीफ करें, ये सब जो है वो हम्द में शुमार होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में यही है कि सब खूबियाँ अल्लाह को, जो मालिक सारे जहानों का, तो सारे जहान जो पैदा हुए हैं इनका जो मालिक है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अर्रहमान, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात को बयान किया गया कि बहुत मेहरबान, रहीम, रहमत वाला। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जजा का मालिक। रोज़े जजा क्या है? ये मैदान, ये महशर है, महशर का दिन। अल्लाहु अकबर, हदीस पाक में जिसकी हौलना की आई, इतना ख़तरनाक ये दिन कि जब तमाम इंसानों को, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सबका हिसाब किताब जो है वो लेने के लिए सारे इंसानों को जो है वो जमा किया जाएगा। तो उस वक्त आलम ये होगा कि ये जो है वो आसमान का जो सूरज जो करोड़ों मील दूर जो है वो हमसे है, ये सवा नेज़े की बराबर सर के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। यानी आप मान सकते हैं कि 5-6 फिट के ऊपर जो है वो हमारे सर के आ जाएगा ये। और ये ज़मीन जो ठंडी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है, मिट्टी है ना, ठंडी होती है, मिट्टी की सूरत में बनाई है, इस पर घास फूस जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़मीन को तांबे की बना देगा। अब जाहिर सी बात है कि वो सूरज इतनी तेज़ उसकी जो है वो रोशनी। और फिर एक चीज़ और भी बता दूँ कि अभी जो हमारी रिवायतों के एतबार से अभी सूरज का मुँह जो है वो दुनिया की तरफ नहीं है, बल्कि उसके जो है वो है ना बैक दुनिया की तरफ है। उस वक्त जो है वो उसका फ्रंट दुनिया की तरफ होगा और ये मिट्टी की जो ज़मीन है ये तांबे की हो जाएगी। किस कदर जो है वो गर्मी होगी, ऐसी गर्मी की हालत में लोग परेशान होंगे। और वो दिन कितना होगा? 50,000 साल का वो दिन होगा। इसी आलम में, इसी हौलनाकी के आलम में वो दिन जो है वो आधा गुजर जाएगा। लोग परेशान होंगे, पसीना है ना गुनाहों के एतबार से किसी के टखनों तक होगा, किसी की कमर तक होगा, किसी के जो है वो सीने तक होगा। ऐसी हालत में लोग जो है वो मशवरा करेंगे कि हम सबको चल करके है ना हज़रत आदम के पास चलना चाहिए, कि वही हम सबके है ना बाप हैं, लिहाजा उनसे जो है वो मदद मांगना चाहिए। तमाम लोग जो है वो हज़रत आदम के पास आएंगे, हज़रत आदम इनकार कर देंगे, कहेंगे कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब जो है वो बहुत ही उरूज पर है, इसलिए कि लिल्लाहिल मुल्कुल यौम लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाएगा कि जो लोग जो है वो ताकत के नशे में, शक्तियों के नशे में, कुव्वत और ताकत के नशे में है ना चूर थे, इंसानों पर जुल्म करते थे, आपसी सौहार्द का खात्मा करते थे, नफ़रत जो है वो फैलाते थे, और वो ये समझते थे कि हमारे पास जो शक्ति है अब ये शक्ति कभी ख़त्म नहीं होगी, हमें कभी दुनिया से जाना नहीं है। वो गुरूर और तकब्बुर में डूब करके इंसानों पर जुल्म करते थे, इंसानियत पर जुल्म करते थे। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चैलेंज करेगा, जब सब ख़त्म हो जाएंगे, जब कोई नहीं होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, आज किसका राज है, आज बताओ कहाँ है वो राजा, कहाँ है वो महाराजा, कहाँ है वो बादशाह जो अपनी ताकत पर इतराते थे और सबको जो है वो हेज समझते थे, इंसानियत पर जुल्म करते थे, इंसानियत का खात्मा करते थे। तो उस वक्त
अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस सवाल का कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, तब अल्लाह खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिद वाहिदुल कहार। आज अगर राजशाही किसी की है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। तो ऐसे ख़तरनाक दिन में सारे लोग मशवरा करके हज़रत आदम के पास आएंगे। हज़रत आदम मना कर देंगे कि आज मैं अल्लाह की बारगाह में किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। फिर लोग हज़रत नूह के पास आएंगे, गर्ज़ के सारे अम्बिया इकराम के पास आएंगे, आखिर में हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम के पास आएंगे। हज़रत ईसा कहेंगे मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अलबत्ता इतनी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ, तुम्हें करा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कौन तुम्हारी आज मदद करेगा। तो वो कौन होंगे? वो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होंगे। आला हज़रत इसी को फरमाते हैं कि आज अगर रसाई किसी की होगी तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, तो लो बात बन आई है। और मतलब में ये क्या शक था, वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। तो आला हज़रत ने फरमाया कि आज के दिन जो है अरे हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रसाई होगी। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अना लहा, इस काम के लिए मैं हूँ, मैं तुम्हारी जो है वह शफात करूँगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत। इसीलिए हमारे आला हज़रत ने जो है वो फरमाया कि करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने अपने नबी की सुन्नतों पर जो है वो अमल नहीं किया, अपने नबी के हुक्म पर अमल नहीं किया, लेकिन वहाँ पर अगर हमें कोई बचाएगा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है वो बचाएंगे। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुक़द्दस रसूल हैं, वही इस मालिक जो अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिक यौम जज़ा है, लेकिन सबकी सबको बचाने की उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से किसी को इख्तियार और किसी को राइट दिया जाएगा तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो है वो दिया जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इसलिए कि हमने आज अगर अपने नबी का एहतराम किया तो कल हमारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी जो है वो मदद फरमाएंगे, वही हमारी शफाअत फरमाएंगे। तो मालिक यौमिद्दीन, अगरचे हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ही इस दिन का मालिक है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो शक्तियाँ दी हैं उसकी बुनियाद पर ये उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे रसूल का ऑनर जो है, जो उनका जो है वो एजाज है, जो उनको सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल जो है वो एक बड़ा मकाम जो है वो दिया है, वो लोगों को दुनिया वालों को दिखाएगा कि दुनिया में तुमने इनकी शान में गुस्ताखियां की थी, देखिए आज तुम्हारे अगर कोई काम का रहा है तो वो ये आ रहे हैं। इसलिए शफाअत का जो हक दिया है हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो है वो दिया है ना। महशर में आया जिस दम इसिया शार बंदा था मुस्तरिब के, देखो अंजाम क्या हो मेरा, उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आंसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। तो आज वो दिन आएगा कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ात करेंगे और हम नबी की शफ़ात से इंशाअल्लाह तबारक ताला जन्नत में जाएंगे। और ये दर्स जो हमें दिया है हमारे आला हज़रत ने दिया है, आला हज़रत बरेली शरीफ की सरजमीन से उठने वाली वो अजीम शख्सियत के जिनके अपार ज्ञान ने, जिनके बेशुमार जो है वो इल्म व फ़न ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, चाहे वो नेपाल के मुसलमान हो, नेपाल तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, यहाँ के जो है वो मुसलमान हमारे भाई हैं, यहाँ के लोग हमारे भाई हैं, और दशकों से सदियों से हमारा ये नेपाली मुसलमानों से, नेपाली लोगों से गहरा संबंध रहा है। भारतीय और नेपाली दोनों के जो है वो संबंध है ना, रोटी और बेटी के जो है वो रहे हैं। तो यहाँ पर नेपाल के अंदर मुसलमानों में जो अहले सुन्नत का अकीदा पहुँचा है तो वो यही बरेली शरीफ की सरजमीन से पहुँचा है, इसी गुंबद रज़ा की के साए में जो है वो पहुँचा है, और लोगों ने कह दिया वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शोरे मगनों सुनकर
पर तुझ तक में दबा आया, शोरे मगनो सुनकर तुझ तक में दबा आया, साथी में तेरे साथी, साथी में तेरे साथी, मैं तेरा मजाया सर था जो गिरा झुक कर, सर था जो गिरा झुक कर, दिल था जो तप आया, साथी में तेरे साथी, साथी में तेरे साथी, मैं तेरा मजाया, मैं तेरा मजाया, मैं तेरा मजाया। जी नेपाल यस डी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै।